मैं काम वासना पर पहले ही कई वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी आप सभी के बहुत कमेंट आए कि सर काम वासना पर एक वीडियो और बनाइए, क्योंकि हम जितना काम वासना को रोकने की कोशिश करते हैं, काम वासना हम पर उतना ही ज्यादा हावी होने लगती है। तो कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे काम वासना हम पर हावी ना हो सके। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि ध्यान के माध्यम से काम वासना पर काबू पाया जा सकता है। ध्यान के द्वारा मन, बुद्धि और चित्त पर काबू करके आप बड़ी आसानी से काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सभी का यह भी कमेंट आया कि सर मैं ध्यान तो करता हूं, लेकिन फिर भी काम वासना हम पर बहुत ज्यादा हावी होने लगती है। मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मैं अपने विचारों को रोक ही नहीं पाता, मेरे विचार काम वासना की तरफ और ज्यादा भागने लगते हैं। तो बताइए कि मैं ध्यान कैसे करूं? तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप जो ध्यान कर रहे हैं वह कोई ध्यान नहीं है। आपको सबसे पहले यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि ध्यान वास्तव में है क्या। ध्यान यह नहीं है कि तुम सुबह शाम 20-30 मिनट आंखें मूंद कर बैठ गए और फिर वापस अपनी सामान्य बेहोशी की हालत में अपने काम पर लग गए। यह एक तरह से मूर्खतापूर्ण है और सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान का एकमात्र कार्य तुम्हें हर वक्त होश में रहने की कला सिखाना है, ना कि सिर्फ आंख बंद करके 10-15 मिनट, 20 मिनट, एक घंटा बैठ गए, उसे ध्यान नहीं कहा जाएगा। जब आप काम करते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, खाना खाते हुए हर पल होशपूर्ण रहें, तब समझ जाइए कि आप ध्यान कर रहे हैं। और वह घड़ी एक दिन जरूर आएगी जब तुम अपने आप को अपने शरीर से अलग पाओगे, और जिस दिन ऐसा घटित हुआ उस दिन तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। देखिए, काम वासना तो उठती है, एक बार नहीं हजार बार उठती है। एक साधारण पुरुष अपने जीवन में 4000 बार संभोग कर सकता है, और वह करता भी है। 4000 बार काम के अनुभव से गुजरता है। स्त्री तो लाखों बार गुजरती है, उसकी क्षमता गहन है। इसलिए आपने पुरुष वेश्याओं के बारे में नहीं, स्त्री वेश्याओं के बारे में जरूर सुना होगा। लाखों बार काम के अनुभव से गुजरकर हमें यह पता नहीं चलता कि यह काम ऊर्जा है या फिर यह सेक्स एनर्जी है। हम यह समझ ही नहीं पाते कि सेक्स एनर्जी वास्तव में है क्या, क्योंकि हम कभी काम पर ध्यान नहीं करते, कभी हम सेक्स पर मेडिटेशन नहीं करते। इस जगत में जो भी ज्ञान उपलब्ध है वह ध्यान से उपलब्ध होता है। जो भी ज्ञान, चाहे विज्ञान की प्रयोगशाला में उपलब्ध होता हो और चाहे योग की अंतः प्रयोगशाला में, आपने देखा होगा जो भी ज्ञान जगत में लोगों को उपलब्ध हुआ है वह ध्यान के माध्यम से ही हुआ है। ध्यान ज्ञान को पाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपाय कह सकते हैं, एक विधि या फिर एक मेथड कह सकते हैं। क्या कभी आपने सेक्स पर ध्यान किया है? आप कहेंगे बहुत बार किया है। तो मैं आपको बता दूं, आपने ध्यान नहीं किया, चिंतन किया है। सोचते तो बहुत हैं हम, जितना कि हम करते नहीं उससे ज्यादा सोचते हैं। काम के अनुभव से जितना गुजरते हैं उससे लाख गुना ज्यादा काम के विचार से गुजरते हैं। 24 घंटे घूम फिर कर हम काम वासना के बारे में ही सोचते हैं। आपने चिंतन तो किया है, लेकिन ध्यान कभी नहीं किया है, क्योंकि चिंतन और ध्यान में फर्क होता है। चिंतन का अर्थ है जो भीतर वासना घटती है उसके साथ ही बहकर चले जाना। दूर खड़े होकर आप उसका अनुभव नहीं कर पाते, उसे देख नहीं पाते। जब भी आपके मन में काम वासना का विचार उत्पन्न होता है तो आप उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उसी के साथ सोचने लगते हैं, उसी के हिसाब से अपने कार्य को बदल देते हैं। आप ही काम हो जाते हैं, आप उस काम वासना के बारे में ही सोचने लगते हैं। फिर आप ऐसा अनुभव नहीं कर पाते कि काम की ऊर्जा उठी है और आप दूर खड़े होकर उसे देख रहे हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि काम वासना आपके अंदर ही उठी हुई है और आप उस काम वासना पर आनंदित हो रहे हैं। एक वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में प्रवेश करता है, परीक्षण करता है, खोज करता है, प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है, दूर खड़े होकर उसे देखता है। वह जानना चाहता है कि हो क्या रहा है, इसका रिएक्शन क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर वैज्ञानिक जो कर रहा है उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाए, जैसे कि एक वैज्ञानिक एक रासायनिक द्रव्य पर खोज कर रहा है, वह खुद को ही समझ ले कि मैं ही रासायनिक द्रव्य हूं, तो क्या खोज कर सकता है? कभी नहीं। वह आदमी ही खो गया जो खोज कर रहा था। अगर वह केमिकल द्रव्य खोजते तो वह कब के खोज लेते। लेकिन एक वैज्ञानिक हमेशा हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहता है, उसके रिजल्ट के बारे में सोचता है। वैज्ञानिक की शर्त यह है कि वह ऑब्जर्व कर सके, उसका निरीक्षण कर सके, यानी ऑब्जर्वेशन ही विज्ञान का मूल आधार है। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे उसके बारे में बता पाएंगे, कैसे आप बता पाएंगे कि इसके क्या डिमेरिट्स हैं और क्या मेरिट्स हैं। जिसे विज्ञान ऑब्जर्वेशन कहता है,
निरीक्षण कहता है उसे ही योग में ध्यान कहा गया है, धर्म कहा गया है। धर्म की परिभाषिक शब्दावली ध्यान है। ध्यान का मतलब है जो भी देख रहे हैं उसे दूर खड़े होकर देख सकना, एक विटनेस की तरह, एक गवाह की तरह। अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर खोना नहीं है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, उसको दूर से देखना है। ठीक इसी प्रकार काम वासना है। जब भी काम वासना आप पर हावी हो तो आपको काम वासना का आनंद नहीं लेना है, आपको काम वासना को अनुभव करना है, उसके कारण के बारे में जानना है, उसके रिजल्ट के बारे में जानना है, यानी उसको ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो समझ जाइए आप काम वासना से मुक्ति के मार्ग पर चलने लगे हैं। जिस प्रकार जिस इंद्रिय से आपका एकात्म हो जाता है उसे आप कभी नहीं जान पाएंगे, जिस इंद्रिय के साथ आपका एकात्म हो जाता है उसे आप कभी नहीं जान पाएंगे। जिस चीज में आप डूब जाएंगे तो आप कैसे उसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि उस समय जो कुछ भी होगा वह आपको सही लगेगा, क्योंकि आप उसमें डूबे हुए हैं। आप उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आप उसे स्वयं कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में काम वासना से मुक्ति चाहते हैं तो आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जिस प्रकार आपके अंदर क्रोध की भावना जागृत हो तो क्रोध से जरा दूर खड़े होकर देखें कि क्या है क्रोध, क्या होगा उसका रिजल्ट। देखिए हम भगवान पर ध्यान करते हैं जबकि हमें पता ही नहीं है कि भगवान है कहां। जिसका हमें पता नहीं है उस पर क्या हम ध्यान कर सकते हैं? ध्यान तो उस पर हो सकता है जिसका हमें पता है। भगवान पर ध्यान करते हैं जिसका हमें कोई पता ही नहीं है। क्रोध पर, काम पर कभी ध्यान नहीं करते जिसका हमें पता है। यानी हमें यह भी पता है कि क्रोध क्या है, काम क्या है, लेकिन हम कभी उस पर ध्यान करते ही नहीं है। मजे की बात यह है कि जब हम काम, क्रोध और बाकी इंद्रियों के प्रति, उसके ऊर्जा के प्रति और विस्फोट के प्रति ध्यान करने में समर्थ हो जाते हैं तो ध्यान बढ़ता जाता है। हम इंद्रियों पर वैसे वैसे काबू पाने लगते हैं और इंद्रियां हमसे हारने लगती हैं। हमारा मन उसको जीतता चला जाता है, उसको रिकवर करता चला जाता है। जहां जहां ध्यान की किरण प्रवेश करती जाती है वहां वहां हम उस चीज के प्रति जागरूक होते चले जाते हैं। क्रोध को जिसने जान लिया वह क्रोध नहीं कर सकता, जिसने काम को जान लिया वह कामातुर नहीं हो सकता, लोभ को जिसने जान लिया वह लोभ में नहीं पड़ सकता, और जिसने अहंकार को पहचान लिया वह कभी अहंकारी नहीं हो सकता, वह हमेशा अहंकार से बाहर रहता है। तो इसी प्रकार अगर आप काम वासना से मुक्ति चाहते हैं तो आपको काम वासना को जानना होगा। बिना काम वासना को जाने आप काम से मुक्ति नहीं पा सकते। ध्यान तो सिर्फ एक मार्ग है काम वासना से मुक्ति पाने का, लेकिन काम से मुक्ति पाने के लिए आपको काम को बहुत गहराई से जानना होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपके कुछ डाउट्स दूर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।